लगातार युद्ध क्षेत्र से हर एक बड़ी खबर यूसेज इन इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्रालय की हाई लेवल बैठक हुई है, आंतरिक सुरक्षा पर हाई लेवल बैठक हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, गृह सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसमें बीएसएफ और सीआरपीएफ के डीजी मौजूद रहे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, बड़ी बैठक हुई है, जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, पूरी जानकारी इस बैठक को लेकर बताइए। अधिकारियों की यह बैठक हुई है और गृह सचिव ने यह बैठक ली थी। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा के हालात हैं, इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में जो सुरक्षा बलों की तैनाती है, उन पर यह चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई। और इसका भी जिक्र हुआ कि हाल ही के दिनों में कश्मीर में जो हिंसा की जो घटनाएं हुई, तो अब आने वाले दिनों में किस रणनीति से गर्मी शुरू हो जाने की वजह से पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां काम करेंगी, इस पर रणनीति बनाई गई और मंथन किया गया। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया अमित पांडे इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मारियुपोल शहर में रूस की बमबारी लगातार होती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद तबाही इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोगों की जान जा रही है। रूसी हमले से शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं, शहर की बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो चुकी है, बिल्डिंग से उठ रहे काले धुएं का गुब्बारा आप देख सकते हैं। ये सैटेलाइट तस्वीर, ड्रोन से ली गई ये तस्वीर बताई जा रही है, न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। रूसी बमबारी के बाद किस तरीके से शहर दर शहर तबाह होते हुए मारियुपोल शहर, जिसको लेकर लगातार रूस ये दावा कर रहा है कि ज्यादातर इलाकों में हमने कब्जा कर लिया है। और रूस की सेना ने सबसे पहले यूक्रेन के मारियुपोल शहर में जबरदस्त बर्बादी की, पूरा शहर खंडर हो चुका है। तबाही की तस्वीर एक एक कोने से देखी गई, फिर यही तस्वीर यूक्रेन के शहर बूचा से सामने आई, और अब यही तस्वीर यूक्रेन के शहर स्टेंका से आई है, जहां रूस की सेना ने भीषण बर्बादी की है, पूरा शहर जल उठा है। ये तीन तस्वीर आप देखिए, मारियुपोल शहर से होती हुई ये बर्बादी किस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आई, और अब पूरा का पूरा जो फोकस है रूस की सेना का, वो स्टेंका शहर पर है, क्योंकि यहां पर बमबारी तेज कर दी गई है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब किस तरीके से ज़ेलेंस्की अपने देश को बचाने के लिए कदम उठाएंगे। लेकिन आपको यह भी बता दें कि रूस की सेना राजधानी कीव से पीछे हट गई है, लेकिन वो अपने पीछे तबाही की वो निशान छोड़ गई है, जिसे शायद ही कीव के लोग कभी भुला पाएंगे। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो से कीव की तबाही की पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही है। न्यूज 18 संवाददाता अरुण सिंह कीव के उस इलाके में पहुंचे, जहां रूस ने बमबारी का सब कुछ तहस नहस कर दिया है। रूस की मिसाइल, रूस के रॉकेट, रूस के फाइटर जेट्स ने किस तरह से यूक्रेन को तबाह किया है, उसकी एक और तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर आप इस वक्त देखेंगे। ये देखिए मेरे पीछे, ये बड़ा सा स्विमिंग पूल था और कई मंजिला स्विमिंग पूल था, ये बहुत ही आधुनिक स्विमिंग पूल था, जिसमें एक मिसाइल आकर के गिरती है और ये इतना मजबूत स्ट्रक्चर धराशायी हो जाता है। आपको मैं दिखा रहा हूं तस्वीरों में, आप मेरे साथ आइए और देखिए कितनी मोटी बीम है ये जो स्ट्रक्चर है, बहुत ही मोटा है, सीमेंटेड है, और कितनी मोटी सरिया इसके अंदर लगी हुई है, लेकिन एक मिसाइल ने पूरा तबाह कर दिया। ये देखिए ऊपर तक तस्वीरें देखिए आप, कि इस स्विमिंग पूल को जहां पर बहुत सारे लोग आते थे, और इसमें स्पोर्ट्स जिम भी थी, तो जिम भी थी, इस जो खिलाड़ी यहां पर आते थे उनको यहां से उसी वक्त कुछ देर पहले सायरन बजने पर निकाला गया था, उसके बाद ही यहां पर अटैक हुआ था, जिसमें लोगों की जान तो बच गई, लेकिन डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, तबाही कैसे हुई है, ये देखिए। इतना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर था, इतना मजबूत इसकी बीम थी, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये दो से ढाई फुट चौड़ा और लगभग ढाई से तीन फुट मोटा, और तमाम इसमें देखिए कितनी सरिया लगी हुई, कितनी मोटी मोटी ये सरिया लगी हुई, इसके बावजूद ये ताश के पत्ते की तरह बिखर गया। आपको एक और तबाही की तस्वीर दिखा रहा है यूक्रेन के उन इलाकों की, जहां रूस ने हमला करके पूरे शहर को बर्बाद कर दिया था। यूक्रेन पर शुरू हुए युद्ध के बाद पश्चिमी देश इस बात को लेकर सकते में है कि दुनिया भर के दबाव के बाद भी आखिर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का फैसला कैसे ले लिया, और इसी वजह से पश्चिमी देश अब एक्सपर्ट्स की मदद से ये जानने की कोशिश में जुट चुके हैं कि पुतिन के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, युद्ध के बीच क्या सोच रहे हैं पुतिन, We'll be right back.
से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तभी से पूरी दुनिया इस आकलन में जुटी हुई है कि आखिर इस हमले के पीछे रूस की क्या प्लानिंग है। और अमेरिका ने तो उसके खिलाफ कई आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया। लेकिन पुतिन ने हमले रोकने के बजाय और तेज कर दिए हैं, और इसके बाद पश्चिमी देश ये जानने को बेताब हो गए हैं कि आखिरकार पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है। अपनी ही बनाई दुनिया में फंसे पुतिन, दबाव बढ़ने पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे पुतिन? पश्चिमी देशों के जासूसों का मानना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी ही बनाई एक बंद दुनिया में फंस गए हैं, इससे वो परेशान हैं। ये जासूस सालों से पुतिन के दिमाग में उतरने की कोशिश करते रहे हैं ताकि उनके इरादों को बेहतर तरीके से समझा जा सके। यूक्रेन में रूस के सैनिकों के फंसते जाने के साथ ऐसा करने की जरूरत और अधिक हो गई है, क्योंकि जासूस ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस दबाव में कैसी प्रतिक्रिया देगा। और कीव पर रूस के मिसाइल हमले लगातार जारी है। रूसी सेना ने कीव के एक इलाके में मिसाइल दागी जो एक बिल्डिंग के करीब जाकर गिरी, और इस हमले के बाद वहां पर एक बड़ा गड्ढा हो गया। कोई मिसाइल जब हवा में होती है तो आपको बहुत छोटी दिखती है, जब मिसाइल के टेस्ट होते हैं तो भी तस्वीरें बेहद छोटी दिखती हैं, लेकिन ये छोटी मिसाइल जब जमीन पर गिरती है, किसी स्ट्रक्चर पर गिरती है, किसी बिल्डिंग पर गिरती है, तो तबाही कितना बड़ा फैलाती है। उसकी वानगी देखिए, यूक्रेन की एक ऐसी जगह पर हम आए हैं जहां पर मिसाइल आकर के गिरी थी और लगभग 15 मीटर अंदर तक, जी हाँ 15 मीटर अंदर, लगभग 40 से 50 फुट अंदर तक वो मिसाइल गई थी। और तब वो गई थी मिसाइल 50 फुट तक जब ऊपर 4 मंजिला स्ट्रक्चर था, यानी ये जो मलबा देख रहे हैं, ये जो मलबा आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्डिंग 4 मंजिला बिल्डिंग थी, और इस बिल्डिंग को चीरती हुई, ध्वस्त करती हुई ये मिसाइल 40 से 50 फुट अंदर तक गई थी। ये रूस की सबसे खतरनाक मिसाइल में से एक है। यूक्रेन की सेना न उसका विवरण दे रही है, न ही ये बता रही कि कौन सी मिसाइल है, बस इतना जानकारी हमको दी गई है कि 40 से 50 फुट जमीन के अंदर ये मिसाइल गई थी। और उसका असर क्या हुआ, शॉक वेव जो होती है उससे देखिए, ये जो बिल्डिंग है इसका पहला माला यानी पहली मंजिल धराशायी हो गई है। इतनी मजबूत ये बिल्डिंग थी लेकिन पहली मंजिल धराशायी हो गई है। ये जो मंजर है यहाँ का, वो खौफनाक मंजर देख के हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जब हमला हुआ होगा उस समय यहाँ जो लोग रहे होंगे उन पर क्या बीत रही होगी, और यूक्रेन के लोग किस तरह से इस युद्ध की विभीषिका से, इस लड़ाई से, इस हमले से, इस खौफ से, इस डर से किस तरह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुतिन के सैनिकों ने कीव खाली कर दिया है। इसके अलावा रेड आर्मी मारीपोल और कई शहरों में भी पीछे हट चुकी है, और इसे लेकर रूस की सेना में सबसे गहरी साजिश का दावा किया जा रहा है। इस पर देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या लंबे युद्ध से ऊब रहे हैं रूसी सैनिक? मैदान छोड़ने वाले सैनिकों के पीछे किसकी साजिश? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस रेड आर्मी को पुतिन ने यूक्रेन की जमीन पर जंग के लिए उतारा था, वो रेड आर्मी जंग का मकसद पूरा होने से पहले ही भ्रम के जाल में फंसने लगी है। यूक्रेन में युद्ध के कई मोर्चों से तो रूसी सेना लगातार पीछे हट रही है, और इस आधिकारिक घोषणाओं के बीच जो दावे किए जा रहे हैं वो और भी हैरान करने वाले हैं। दावा नंबर एक, जंग के मैदान से पीछे हट रही है रूसी सेना। दावा नंबर दो, कमांडरों का आदेश नहीं मान रहे हैं रूसी सैनिक। दावा नंबर तीन, गुस्साए रूसी सैनिक अपने ही हथियार नष्ट कर रहे हैं। और दावा नंबर चार, रूसी सैनिक अपने ही कमांडरों पर हमला कर रहे हैं। रूस
रूस पिछले 40 दिनों से यूक्रेन में संघर्ष कर रहा है, संघर्ष युद्ध जीतने के लिए उस यूक्रेन के खिलाफ, जिसे लेकर कहा जा रहा था रूस की ताकत के आगे यूक्रेन 3 दिन तक भी टिक नहीं पाएगा। लेकिन पूरे 40 दिन बीत जाने के बावजूद ना तो रूस को जंग में जीत हासिल हुई और ना ही यूक्रेन हथियार डालने के लिए तैयार हुआ है। अलबत्ता पिछले 40 दिन से जिस तरह यूक्रेन रूस की रेड आर्मी का करारा जवाब दे रहा है, उसे देखकर पुतिन भी खुद तंग हैं। नेटो का दावा है कि पुतिन की रेड आर्मी में भी विद्रोह की आशंकाएं तेज हो गई है, क्योंकि जंग में रूसी सैनिकों का मनोबल काफी गिर चुका है। यही नहीं, रूसी सैनिकों का पाला बदलने की भी संभावना बन रही है। जंग का इतिहास खंगाले तो रूसी सैनिक में बगावत की कहानी कोई नई बात नहीं है। 1905 में भी रूस और जापान युद्ध के दौरान भी रूसी सेना ने बगावत कर दी थी। 1994 से लेकर 1996 के दौरान चेचन्या के साथ पहले संघर्ष में भी रूसी सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए थे। जंग में रूसी सेना के इस काले इतिहास से व्लादिमीर पुतिन भी अच्छी तरह वाकिफ हैं, लिहाजा वो अब जंग के बीच ही अपनी रणनीति में लगातार बदलाव कर रहे हैं। यही नहीं, युद्ध की रणनीति फेल होने के चलते पुतिन अपने कई सलाहकारों के खिलाफ भी एक्शन ले रहे हैं। हालांकि इन सब के बावजूद अब तक पुतिन की सेना यूक्रेन में ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पाई है, और इसके पीछे कुछ और वजहों को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। नेटो का दावा है कि यूक्रेन युद्ध में अब तक 15,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं, जो अफगानिस्तान में 9 साल के दौरान मारे गए रूसी सैनिकों की संख्या के बराबर हैं। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध में अब तक 7 रूसी जनरल मारे जा चुके हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूसी सेना में जनरलों की सबसे ज्यादा मौत है। इसके अलावा सैनिकों की ट्रेनिंग भी वजह बताया जा रहा है, क्योंकि 2014 में कहा गया था कि रूस की 25% सेना को इन्फेंट्री चलानी नहीं आती, और इसके चलते सेना में भी वेतन में असमानता है। यानी रूस की सेना में समान वेतन लागू न होने के चलते भी सैनिकों में असंतोष है। जाहिर है कि रूस की सेना के अंदर ये सारे फैक्टर अब जंग के मैदान में अपना असर दिखा रहे हैं, जिसके चलते फिलहाल रूसी आर्मी यूक्रेन में आक्रामक होने के बावजूद बैकफुट पर नजर आ रही है। और कीव में रूस ने रिहायशी इलाकों पर जमकर गोलीबारी की, जिससे वहां भारी नुकसान हुआ। वहीं बड़ी बड़ी इमारतें रूसी हमले में जमींदोज हो गई है। न्यूज 18 के संवाददाता अरुण सिंह की इस रिपोर्ट में कीव की तबाही की आंखों देखी आप देखिए। यूक्रेन पर रूस के हमले की एक ऐसी एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो देख करके आप दहल जाएंगे। न्यूज 18 इंडिया उन जगहों पर जा रहा है जहां रूस के हमले के बाद भयानक तबाही मची है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप डर के मारे थरथरा उठेंगे इस कल्पना से कि जो लोग उस वक्त यहां रहे होंगे उनका क्या हश्र हुआ होगा, कैसे उन्होंने इस जगह को छोड़ा होगा। क्योंकि रूस ने अचानक हमला किया था, तेज हमला किया था, और उस हमले में बहुत सारे घर, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी बिल्डिंग बर्बाद हो गई थी। तो सीधे कमलदेव जी तस्वीर दिखाइए, ये देखिए, ये तस्वीर गवाही देती है कि यूक्रेन पर रूस का हमला कितना खतरनाक और कितना गंभीर था, कितना तेजी से उसने हमला किया था, पलक झपकते हमला किया था और संभलने का मौका नहीं देता। ये बिल्डिंग कई मंजिला बिल्डिंग है,